2015 येमेनर लोहित सगर में एक तैलभर्ती जहाज एफएसओ साफर को छाड़ दी हेले एबे एहा कु नै बड़ विपद मुंड टेकिला कहुची जहाजर रक्षणाबेक्षण अभाव वेजल टी दुर्बल हो पड़ी जेकोसी मुहूर्त यह फाटी बुड़ी जापे फल जहाजर वेजल दस लक्ष बारेल तेल समुद्र पानी में मिशिजी और एथपाई येमेन समेत चारोटी देश भयंकर परिणाम भोगे प्राय दुई लक्ष लोक जीविका हर फल एफएसओ साफर जहाज को लोहित सगर टाइम बम बोली कह जातिसंघ तरफ एने सतर्क बाणी जारी करा येमेन जातिसंघ मुख्य डेविड ग्रेसले कहते एफएसओ साफर मरामति रक्षणाबेक्षण निहाती जरूरी थिला अंततः वेजेल तेल को अन्यत्र खाली करदे उचित थिला किंतु 2015 रु वर्तमान पर्यंत आदो कोनोसी पदक्षेप निया जाय नाही। लोहित सगर में यह टाइम बम बोली कहुची चिंता बढ़ाला तेल भर्ती जहाज एफएसओ साफर लोहित सगर में 2015 जहाज रही रही दस लक्ष बारेल तेल येमेन लोहित सगर में यह जहाज पड़ रही येमेन बिवाद जो जहाजर रक्षणाबेक्षण हो पारना वर्तमान अति खराब स्थित रही जहाज एफएसओ साफर जहाजर तैल भर्ती टैंकर फाटी जीवार संभावना भी रही है आउ टैंकर फाटिले दस लक्ष बारेल तेल समुद्र में मिशिब येमेन समेत प्रभावित साउदी एरिट्रिया और जिबुती मत्स्यजीवी माने निज जीविका हर जल और वायु सांघातिक भाव में प्रदूषित हो लक्ष लक्ष लोक स्वास्थ्यगत समस्या भोगे रे येमेन लोहित सगर में एफएसओ साफर को छड़ा जाइथिला और यहाँ कुने बड़ विपद एवं मुंड टेकी कहुची जे जहाजर रक्षणाबेक्षण अभाव वेजल टी दुर्बल हो पड़ी और जेकोसी मुहूर्त यह फाटी जाए बुड़ जापे अधिक आलोचना करने आम सहित विशिष्ट परेशवित श्रीजुक्त विश्वजित महांती जोड़ी होती सर आपण को स्वागत कनक न्यूज को जदि एफएसओ साफर वेजल फाटी जाए ताहले कौन परिणाम भोगिबा को पड़िबो देखंतु जे जेतु टैंकर टी तेल टैंकर टी अवस्था रे पड़ी छि यदि फाटी जाए से तेल गुडी का समुद्र रे खेले जइबो एवं किछि का तेल जाए कि समुद्र कूल रे पहुचिबो जो बाली रे मिछि कि बाली के प्रदूषण करिबो आ किछि का तेल जो समुद्र जीव जो मान रहउछन्दि माछ होंतु कंकड़ा होंतु इवन चढ़ई भी होंतु तांको देह रे लागि तांको केति पहुचिबो तेणु अनेक कुप्रभाव पड़े तेलर जो लिकेज हेल्ले जो इंपैक्ट पड़े से मानते गोटे दिन दु दिन नुह से मस मस वर्ष वर्ष रही इंपैक्ट रहे तेना तुरंत उधार कार्य जारी होगा दरकार तेल टी जदि भावुंत आशंका हो जहाज भी बुड़ी संपूर्ण भाव में तेल टी तुरंत खाली टैंकर नहीं कि पंप मध्यम पंप आउट करके रिकवर करके आने कथा वर्तमान जो परिस्थिति रही जो प्रक्रिया कथा आपण कहउछन्ति जे तेल टैंकर तेल खाली कर देबा कथा एहा संभव होई पारिबो कि सेटा डिपेंड करछि टैंकर साइज कोन केते तेल दाबा स्टॉक अछि केते नै गिल जाउतला कह जाउछि जे 10 लाख बैरल तेल वर्तमान सेथिरे रहिछि 10 लाख बैरल तेल त बहुत अधिक मात्रा रे तेल मौजूद रहिछि तणो जदि से बेला पुनि जे शिपिंग कंपनी जेतिबो तार भी सेमती अरेंज करे गुडे गुडे खाली टैंकर जेतिकि आसिकी सांगे सांगे तुरंत पहुंची पावरफुल पंप भी दरकार मिट्सी ट्रांसफर करवा ये भी भारी ज्ञानकौशल आवश्यकता रही जो मैंने करेस्क्यू काम से एंगेज कराया पड़े अनेक पैसा खर्च करा पड़ो किंतु जी परेश कुप्रभाव पड़ो पैसार किसी असुविधा नहीं खर्च करा कथा किंतु बेसी डिपेंड कर जो टैंकर कंपनी जो जो शिपिंग लाइन जो टैंकर मालिक जी सी कौन पदक्षेप नौ एवं स्थानीय सरकार कौन पदक्षेप नौ तारी पर डिपेंड कर दरकार पड़े आंतर्जातिक लेवल भी से सहायता नहीं पारे यूएस पाखे बहुत आडभांसड रेस्क्यू सिस्टम से व्यवहार करती कारण तेल लिकेज प्रथम थर हो पृथ्वी में अनेक थर हो आगु तेनाली हांडल करते जगह हांडल करें जानूँ जो कौन तार कुप्रभाव पड़ो जिते तुरंत यार
समाधान हवा दरकार कह जदि तेल वेजल फाटिला आ तेल समुद्र पानी रे मिसला ताले मुख्यतः चारोटी देश यार एक भयंकर परिणाम भोगिबे हाँ से सी भी डिपेंड कर सी करंट को दिगर जाउची से समय रे एबे को आरे जदि करंट बहुत समुद्र जो करंट चल थाए सोटो जो चल थाए सेटा को दिग को जाउची तेणु तारी प्लस विंड कंडीशन कौन अच्छी वेदर कंडीशन कौन अच्छी से सब फैक्टर गोटे गोटे जहाँफल कि तेलटा के दूर जीव एवं कौ कौ देश उपकूल पहुँचव सीटा तो सत कदा निश्चित भाव में जब तेल जब उपकूल में पहुँचीगला लिकेज होणु उपकूल को अनेक अनिष्ट हानि पहुँचेब से उपकूल में जो गच्छ गुड़िक मैंग्रोव प्लांटेसन मैंग्रोव गच्छ जो थी एंटाबण ताकू आक्रांत करगुड़ा मरीजे उपकूल में जो मत्स्य ब्रिडिंग ग्राउंड अच्छे सी भी असुविधा हाँ उपकूल जो मैंने चाषी ये माछ चाष कर चलुंट कि जो मैंने फिशरमैन कम्युनिटी लोकल फिशरमैन तर भी जीविका उपरूर्त अनेक इफेक्ट अच्छी तेणु तुरंत तेलट को निष्कासन कर उद्धार कर चिंतार रहा कथा ताले जो टाइम बम कथा कह लोहित सगर से ये जहाज एवं टाइम बम सदृश ता कह यथार्थ कारण कौन सी मुहूर्त में जदि अघट घटे लक्ष लक्ष कोटि कोटि लोक प्रभावित कर हाँ निश्चित भाव में क्या जिते डेरी करेंगे से चान्स कमिजी क्या गोटे टैंकर जो न चलिक गोटे जगह स्थिर रही समुद्र लहड़ी माड़े भी तरह इंपैक्ट पड़ो कंट्रोल करने कहीं नए तेणु लोक भी जो मैंने क्रू मेम्बर थे भी उद्धार कर पड़ो तेणु टैंकर को इमिडिएटली तेल निष्कासन नक बहुत विपद ए सबु भितरे येमेन रो कौन रोल बा कौन दायित्व ये आप देखुं कारण कह येमेन रे विवाद जो जहाजर रक्षणाबेक्षण करमेन तो आप जानते दुध युद्ध ग्रस्त देश सी सब लड़े चलती लास्ट किसी वर्ष है सरकार दायित्व नहीं कि सरकार मत लगुन ज्ञान कौशल अच्छी जहाज को उद्धार करेल निष्कासन करने तेणु मो मत अन्य अन्य देश जो मैंने निकटवर्ती देश अच्छे बड़ बड़ देश अच्छा हठात मानने साउदी आरब यूनाइटेड आरब एमिरेट्स हूँ से मिलित उद्यम करा दरकार ईरान भी अच्छी पाखापाखि तेणु उद्यम करके तेल क्या समस्त अफेक्टेड हे जहाजा जदि येमेन होती पे येमेन स्टक् होती पे तेल कि लिकेज हम समस्त आक्रांत हे समस्त हित अच्छी समस्त एकाठी होमता रेस्क्यू कर तेज 2015 रु 2023 भितर यही जहाजर रक्षणाबेक्षण कौन सी प्रकार पदक्षेप निया पानी रे रहिबा फल यार अवस्था वर्तमान परिस्थिति रे कौन थी आप भावुं देखो जितक सामुद्रिक जो जहाज गुड़िक चलपचल करती स्पेशली कार्गोशिप गुड़ाक जमी कार्गोशिप हूँ कि टैंकर हूँ मेंटेनेंस दरकार बहुत मेंटेनेंस मैडम से रीतिमत भाव में आईन अनुसार भी करा पड़ो जमी सेफ ट्रांसपोर्ट हो पार तेणु स्पेशली ऑयल टैंकर पे बहुत कड़ा आईन अच्छी ऑयल टैंकर सेफ ना ट्रांसपोर्टेशन अलाउ कराएनि तेणु जदि किसी वर्ष एम रही जाए टैंकर निश्चित भाव से बहुत तरह क्षति करोजन हो स्टील प्लेट गुड़ा खाई जाइ तेणु तेल लिकेज हमार चान्स बहुत बहुत बढ़ जाइए तेणु ये मतलब लगुन सेफ्टी प्रिकसन मैंने मेन्टेन करते वर्ष है जहाँफल कि जहाजटी गोटे विपद संकुल अवस्था पहुँचीगला धन्यवाद श्रीजुक्त महांती आपणकर आलोचना पाई तबे 2015 रे येमेन रो लोहित सागर रे एक तैल भर्ती जहाज एफएसओ साफर को छाड़ी दिया जाइथिला हेले एबे एहाकुने एक बड़ विपद मुंड टेकिलाणी कहा जाउछि जे जहाजर रक्षणाबेक्षण अभाव रु वेजल टी दुर्बल होई पड़िछि आउ जे कोनोसे मुहूर्त रे एहा फाटी जाई बुड़ी जाई पारे फल जहाजर वेजेल 10 लाख बैरल तेल समुद्र पानी मिसीजी जहाँफल चारोटी देश भयंकर परिणाम भोगे जो थे येमेन रही केवल ये नुहे प्राय 2 लक्षर अधिक लोक निजर जीविका भी हर फल एफएसओ साफर जहाज को लोहित सगर टाइम बम बोली कहा केवल एतिक नुहे जातिसंघ तरफ एने सतर्क बाणी जारी करा जाएछि येमेन रे थिबा जातिसंघ मुख्य डेविड ग्रेसली कहिसंती जे एफएसओ साफर मरामती एवं रक्षणाबेक्षण निहाती जरूरी रहिथिला अंततः वेजल रे थिबा तेल को अन्यत्र खाली कर देबा उचित थिला किंतु 2015 रु वर्तमान पर्यंत आदो कोनोसी
पदक्षेप निया चिंता बढ़ाला तेल भर्ती जहाज एफएसओ साफर लोहित सगर में 2015 रही जहाज में 10 लाख बारेल तेल रही येमेन लोहित सगर में जहाजटी रही तेज येमेन बिवाद जोगु जहाजर रक्षणाबेक्षण हो पारे ना 2015 आज जाए कौन रक्षणाबेक्षण यार कर वर्तमान अति खराब अवस्था रे जहाज एफएसओ साफर रही तथ्य सामना को आसुछे जहाजर तेल भर्ती टैंकर फाटी जीवार संभावना रही टैंकर फाटिले 10 लाख बारेल तेल समुद्र में मिसीजीव येमेन समेत प्रभावित हे साउदी एरिट्रिया एवं जिबुती मत्स्यजीवी माने निज जीविका हर जल एवं वायु सांघातिक भाव प्रदूषित हो लक्ष लक्ष लोक स्वास्थ्यगत समस्या भोगे तेज 362 मीटर लंबा यह जहाजर ओजन 4,6,640 टन येमेन रे गृह युद्ध समुद्र रे एफएसओ साफर जहाजटी पड़ी रही येमेन रो लोहित सागर में एक तैलभर्ती जहाज एफएसओ साफर को छड़ा जाता जहाँ को लोहित सगर टाइम बम बोली कह।